हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड, बहुत ही डिलीशियस और यमी स्वीट डिश और बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके लिए हमने ढेर सारे फ्रूट्स लिए हैं, आपको जो फ्रूट्स पसंद है आप वो इसमें ऐड कर लें। और हमें चाहिए कस्टर्ड पाउडर, मैंने वैनिला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर लिया है। कस्टर्ड पाउडर के बाद बारी आती है दूध की, मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है। हमें इसे अच्छे से उबालना है। हम तकरीबन 10 मिनट तक दूध को धीमी आंच पर उबालेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि तले पे दूध लगे नहीं। दूध जितना गाढ़ा होगा फ्रेंड्स, कस्टर्ड उतना ही यम्मी और टेस्टी बनेगा। कस्टर्ड बनाते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है फ्रेंड्स कि हमें इसे ज़्यादा मीठा नहीं करना है, क्योंकि फ्रूट्स की भी एक अपनी मिठास होती है, एक अपना फ्लेवर होता है। ज़्यादा मीठा करने से उसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। दूध काफ़ी अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसमें मिलाएंगे शुगर। मैंने इसमें 4 टेबल स्पून शुगर यूज़ किया है फ्रेंड्स, आपको जितना मीठा पसंद है उस हिसाब से यूज़ करें, लेकिन कस्टर्ड हमारा ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए वरना उसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। हम फ्लेम को लो कर देंगे और यहाँ मैंने कटोरे में नॉर्मल ठंडा दूध लिया था, इसमें अब मैं कस्टर्ड पाउडर मिक्स करूँगी। यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। ख्याल रखें ये अच्छे से मिक्स होना चाहिए, इसमें ज़रा सा भी लम्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि इस पर गुठली थोड़ी सी भी कस्टर्ड पाउडर की नहीं होनी चाहिए। ये जितना स्मूथ होगा आपका कस्टर्ड उतना ही अच्छा बनेगा। ये देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे दूध में मिक्स करेंगे। दूध में कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है, इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और फिर वो खाने में उतना टेस्टी नहीं लगेगा। इसीलिए इस चीज़ का आप पूरा ख्याल रखें कि हमें इसे 5 से 6 मिनट के लिए ही कुक करना है और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। 6 मिनट कुक करने के बाद मैंने इसे फ्लेम से उतार दिया था और इसे ठंडा होने दिया। देखिए फ्रेंड्स इसका टेक्सचर कितना क्रीमी हो गया है और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। हमने जो फ्रूट्स लिया था फ्रेंड्स, अब हम उसे कट करके इसमें मिलाएंगे। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना क्रीमी और कितना गाढ़ा हो गया ये। इसीलिए हमने इसे ज़्यादा कुक नहीं किया था, तकरीबन 6 से 7 मिनट काफ़ी हैं। मैंने 6 मिनट ही कुक किया था। अगर आपको लगता है कि नहीं ये अभी गाढ़ा नहीं हुआ है तो आप थोड़ा और 2 मिनट कुक कर लें, लेकिन ये ठंडे होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है और जब आप इसमें फ्रूट्स मिलाएं तो ये टोटल पूरी तरीके से ठंडा होना चाहिए, तभी इसका फ्लेवर बढ़िया सा आएगा। वरना गर्म में फ्रूट्स बहुत ही बॉइल्ड जैसे लगेंगे। और सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, आपके बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी, कोई भी फंक्शन कोई भी ओकेशन में आप इसे तैयार कर सकते हैं। झटपट तैयार हो जाती है। टोटल इससे बनाने में मुझे 20 मिनट का टाइम लगा है। चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं देन वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। डिलीशियस कस्टर्ड को और भी यम्मी बनाने के लिए मैं इस पे ऐड कर रही हूँ आइसक्रीम। आप चाहें तो विदाउट आइसक्रीम भी खा सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आइसक्रीम के साथ इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाएगा। आइसक्रीम के बाद बारी आ रही है चॉकलेट की, मैंने यहाँ चॉकलेट चेरीज डाले हैं और इसके बाद थोड़ा और चॉकलेट, तो इसके लिए मैंने इस पे रखा है चॉको चिप्स।
और लीजिए हमारी डिलीशियस कस्टर्ड तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।